Hello, Assalam friends, this is Ashad Khan from Karachi State. Today we are going to solve Business Studies A level. This is code 9609/32. उसका हम फरवरी मार्च 2021 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया और हम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं. और ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, एवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग टू द सक्सेस ऑफ BFB न्यू प्रोडक्ट्स. BFB की जो नई प्रोडक्ट्स है उसके की प्लानिंग के हवाले से बात हो रही कि अगर वो करना चाहे तो हम उसको एवेल्युएट करना पड़ेगा. ठीक है जी, अब चीज़ों को हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें. मार्केटिंग प्लान इज दैट क्या चीज़ है. मार्केटिंग प्लान इज द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी दैट अ बिजनेस विल इम्प्लीमेंट टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज. द मार्केटिंग प्लान विल हेल्प द डिटरमाइन हु द टारगेट मार्केट इज, हाउ द बेस्ट हाउ बेस्ट टू रीच देम, एंड वॉट प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी सोल्ड, एंड हाउ द कंपनी विल मेजर इट्स एफर्ट्स. ये मार्केटिंग प्लान की डेफिनेशन हो गई है. मार्केटिंग बजट क्या चीज़ होती है. मार्केटिंग बजट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस एलोकेट फॉर एक्सपेंसिस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विस. मार्केट बजट्स आर यूजुअली डेवलप्ड ऑन अ क्वार्टरली और एनुअली बेसिस. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स ऑफ अ ब्रांड वांट्स टू जनरेट फ्रॉम इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज. दे शुड बी मेजरेबल एंड रियलिस्टिक सो दे दैट कैन दैट यू कैन मैप आउट देयर एफर्ट्स इन स्ट्रेटेजिक एंड फोकस्ड वे. The marketing mix refers to the set of actions or tactics that a company uses to promote brand, its product or market. ठीक है, ये definitions है. ये मतलब हमें पता होनी चाहिए और ये हमें इम्तहान में लिख के देना भी है. मार्केटिंग रिसर्च क्या है. सिचुएशन एनालिसिस क्या है. मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च कंडक्टेड डायरेक्टली विद potential customer. Marketing research allow a company to discover the target market and get opinions and other feedback from consumers about their interest in products or services. 4 common types of market research hote hain. Surveys hai, interviews hai, focus group and customer observations. Situational analysis ke hum situation ko pura analyze kare ke examining the company and its competitors of the basis on the size, share of the market, सेल्स हिस्ट्री, ये सब चीज़ों के बेसिस हम पूरा सिचुएशन एनालिसिस किया. देयर प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लो एज वेल एंड सेल्स, बट एज पर टेबल 2 डाटा देयर मार्केट शेयर इंक्रीज. अच्छा, इनके जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, सेल्स भी बहुत लो है, मगर इनका जो है मार्केट शेयर आस्ते आस्ते बढ़ रहा है. इसमें टेबल 2 पे हम डाटा में अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिया हुआ है. तो ये सब चीज़ें एक हमने नॉलेज के हवाले से डिफाइन किया. अब हम अप्लीकेशन जो नॉलेज है. ओल्डर एडल्ट इज डिस्टिंक्ट मार्केट फ्रॉम अ चिल्ड्रन विद डिफरिंग नीड्स, सो हेयर अ मार्केट रिसर्च नीड फॉर गुड मार्केटिंग प्लान. क्योंकि इनका प्लान है कि ओल्डर्स एडल्ट उनके लिए हम साइकिल बनाएं और बच्चों के लिए तो ऑलरेडी बना रही है, तो इनको मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से रिसर्च करके डेवलप करना होगा. अ गुड मार्केटिंग बजट टू बी डेवलप फॉर न्यू मार्केट. इसी तरह मार्केट का बजट जो है वो भी बहुत अच्छा बनाना होगा. अ फोकस एंड टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन एडवर्टाइजिंग नीड्स टू रीच कस्टमर्स. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नेसेसरी टू अट्रैक्ट ओल्डर एडल्ट, लोअर गियर्स, चेंजेस ऑफ फ्रेम, ईजी चेंज टायर एक्सेट्रा. यूज ऑफ सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट पेरेंट्स और फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लिक्स लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट फॉर ओल्डर जनरेशन. आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, और मगर ओल्डर पीपल्स के लिए हमें दूसरे चैनल देखना होगा. प्रीमियम प्राइस टू रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सस्टेन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुड बी देयर एट BFB. प्रीमियम क्वालिटी प्राइसिंग करते हैं BFB वाले, तो इनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा. वाइल डिजाइनिंग अ मार्केटिंग प्लान, साइकिलिंग एसेसरी एंड माउंटेन साइकिल ऑप्शन शुड बी कैप्ट इन माइंड. हमें मार्केटिंग जब प्लान करना है तो साइकिलिंग एसेसरी की अलग है, माउंटेन बाइक साइकिल की अलग है, तो उसी हिसाब से हमें पूरी मार्केटिंग प्लान करना है. मेच्योर मार्केट फॉर माउंटेन बाइक सो केयरफुल स्टडी एंड बेटर मार्केटिंग प्लानिंग रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट. हमें जो माउंटेन बाइक्स में BFB इंटर होना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत ही जो अच्छी तरह से रिसर्च करके जाना पड़ेगा और बड़ी प्रॉपर मार्केटिंग प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ये मेच्योर मार्केट है यहाँ पे, तो इस वजह से इनको बड़ी अच्छी तरह से उनको रिसर्च करके जाना पड़ेगा. अगर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करें. बेनिफिट्स ऑफ टेलरिंग मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेज इन द टारगेट मार्केट्स टू इंश्योर दैट न्यू प्रोडक्ट्स गेन मार्केट सेल्स. Over 60 promotions might focus on more traditional above the line techniques using print media rather than social media.
हमें जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो प्रमोशन करना है उसके लिए हमें बिल्कुल हमें ट्रेडिशनल मेथड से और भी ऊपर जाके देखना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया पे जाना पड़ेगा, और ना कि हम सोशल मीडिया के थ्रू इनकी कैंपेन चलाएं, तो वो देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमें स्कीमिंग प्राइसिंग को के बारे में के हवाले से इस पर काम करना पड़ेगा। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट स्टेट न्यू प्रोडक्ट्स प्राइस हाई एंड सब्सिक्वेंटली लोअर्स देम एज अ कंपेटिटर्स एंटर द मार्केट। स्कीमिंग प्राइस में कि आपको प्राइस थोड़े से हाई रखते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते प्राइस को लो करते जाते हैं जब कंपिटिटर्स भी और उसमें आ जाते हैं। ओवर 60 में भी जो बाइक्स में भी कोई कंपिटिटर नहीं है, मेच्योर मार्केट तो है मगर उतने ज़्यादा कंपिटिटर नहीं है। माउंटेन बाइक्स में नीड मोर कंपिटिटिव प्राइसिंग ड्यू टू कंपिटिशन। हमें माउंटेन बाइक्स के हवाले से बहुत ही कंपिटिटिव प्राइस रखनी होगी। माउंटेन बाइक्स मोर इंटेंस प्रमोशन टू गेन अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स थ्रू टीवी एडवर्टाइजिंग, कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, फ्री सैम्पलिंग टू सम डिग्निटरीज एंड सेलिब्रिटी। हमें माउंटेन बाइक्स को जो है उसके लिए बड़ी बड़ी इंटेंस प्रमोशन करनी होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, टीवी के एडवर्टाइजमेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट्स कोई कंडक्ट करना पड़ेगा, और फ्री सैम्पलिंग वगैरह भी हमें करनी होगी। साइकिलिंग एसेसरी मे बी टारगेटेड टू एट द पीपल हु आर ऑलरेडी हैव बाइक्स। अच्छा, जिन लोगों के पास ऑलरेडी बाइक्स है तो एसेसरीज के लिए हमें उन्हें टारगेट करना पड़ेगा। कॉस्टिंग इज की टू सक्सेस द मार्केटिंग प्लानिंग, नीड टू कवर कॉस्ट टू द टू मेक प्रॉफिट। हमें जो बहुत ही अच्छी तरह से उसको कॉस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारा प्रॉफिट भी कम कवर हो जाए और हम आगे और ग्रो भी कर सकें। मोर इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ मार्केटिंग बजट वेन प्लान। हमें बड़े इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग की बजट करनी होगी कि जो हम टारगेट मार्केट जिसको हम फोकस कर रहे हैं उसी हिसाब से बजट करें, प्लान करें। अगर हम इन चीज़ों को इवॉल्व करें तो एवेल्युएशन पे अगर हम जाएं तो मार्केटिंग प्लानिंग गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन टू द बिजनेस, मेकिंग सक्सेस मोर लाइकली। हाउ एवर डज नॉट गारंटी सक्सेस। मार्केटिंग प्लानिंग बहुत क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए ताकि बिजनेस को सक्सेस मिले, मगर ये मतलब नहीं कि मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो आपको गारंटी दे बिजनेस सक्सेस का या मार्केटिंग के सक्सेस का। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर न्यू मार्केट सच एज माउंटेन बाइक्स साइकिल्स और फॉर ओल्डर एडल्ट। खासतौर पे जब नई मार्केट में जा रहे हैं, माउंटेन बाइक्स बना रहे हैं एडल्ट ओल्डर एडल्ट्स के लिए, तो हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। हमें दूसरे फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा, जैसे क्या हम नीड टू डिलीवर बाइक्स ऑन इम्प्लीमेंट GIT है आफ्टर, फिर ये देखना, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपिटिटर्स की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, वो किस तरह से वो प्लान कर रहा है चीज़ों को, फिर हमें उसके भी चीज़ों को उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारे जो डायरेक्ट कंपिटिटर्स है ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो वेरी फोकस मार्केटिंग इज एसेंशियल। उसके साथ साथ हमारे डायरेक्ट कंपिटिटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी हमें फिर हमें देख के उस हिसाब से हमें अपनी मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे। लेवल ऑफ डिटेल्स इन द मार्केटिंग प्लान एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी बींग रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन इन्वायरमेंट। हमें कितने डिटेल पे जाना है, कितने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा ताकि हम फिर उसी हिसाब से अपने मार्केटिंग प्लान बनाएं। प्लानिंग डिपेंड ऑन इफेक्टिव मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड डिटरमाइन द हाउ बेस्ट टू अपील टू देम। अच्छा, प्लानिंग जो है तमाम का तमाम जितनी अच्छे हमारी रिसर्च हो गया कस्टमर के बारे में, नो हो गए कस्टमर की नीड के हवाले से, मार्केट के हवाले से, कंपिटिटर के हवाले से, तो जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी तो उतनी अच्छी हमारे ये मार्केटिंग प्लानिंग होगी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मार्केटिंग प्लानिंग को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आप इसको और भी कुछ चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स कम्प्लीट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।